दवाई तो हम लगा दिए हैं, लेकिन बताइए जी डॉक्टर साहब, क्या बोलते हैं आपको, कहाँ से आए जी? अरे डॉक्टर साहब, ये जो हाजीपुर पासवान चौक से ली है डॉक्टर साहब। अब सांप कितना देरी पहले काटा था? अरे काटला तो 3-4 घंटा हो गए डॉक्टर साहब। है जी तो पासवान चौक से यहाँ वही चल। अरे ना डॉक्टर साहब, हाई तो आधे घंटा के दूरी है। हाँ। लेकिन एगो चाचा हथुन कहती की बगल वाला गाँव में बाबा हथुन उझारा हथुन। अच्छा। अब भंटा के मौसी के झाड़ देती है। अच्छा। तो हुए झड़वावे में रह गई डॉक्टर साहब, यही में लेट हो गए। हॉस्पिटल कैसे आ गए? और हॉस्पिटल है जी एगो गाँव में हथिन शिक्षा मित्र में भैया। अच्छा। तो वही देखा थी तो कहती कि से का हो लो वो तो बतैली तो कहा थी कि बाबा के चक्कर में मत पड़ना तो तुर घंटा निकाल ली। तो सही यही ले गई दी है। सही किया कि आप समय पर हॉस्पिटल लेके आ गए, नहीं तो अगर आधा घंटा और लेट होता जी तो आपका भाई को बचाना मुश्किल हो जाता। ऐसे बात बोली डॉक्टर साहब। देखिए बाबा के चक्कर में पड़ के अपना देश का क्या हाल है जी। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक डाटा है, इसमें 2-3 देश के आंकड़ा यहाँ पर रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया जहाँ की 85% सर्द जहरीला है और वहाँ सांप काटने से एक भी मौत नहीं होता है। अमेरिका जहाँ की 65% सर्द जहरीला है वहाँ 9 आदमी मरता है। और अपना देश भारत जहाँ सबसे कम मात्र 15% सर्द जहरीला है और यहाँ हर साल 46,000 के आसपास लोग सांप काटने से मरते हैं। इसका मेन कारण यही है कि अभी भी हमारे लोग पुरानी परंपराओं को धो रहे हैं। सांस काटने के बाद वो बाबा के पास ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। हॉस्पिटल जाते भी हैं तो बाबा के पास पहले बाबा से झरवा दिए, ठीक नहीं होता है फिर बाद में हॉस्पिटल जाते हैं। और फिर वो क्या होता है कि समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुँचेगा तो दिक्कत होता है वहाँ पर भी। तो बाहर के चक्कर में डॉक्टर साहब कौन सा आपका टल के है डॉक्टर साहब? देखिए आपको ना सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको भाई को तो जहरीला सांप काटा है जी। सबसे पहले आइए देखिए कि आप कैसे पहचान करेंगे कि वो जो सांप आपको काटा है ना वो जहरीला कैसे है। वो आप सांप को देख करके नहीं बल्कि जिसको सांप काटा है उसके बॉडी के ऊपर कुछ निशानी छोड़ जाता है सांप, जिसको देख करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो आपको सांप काटा था वो जहरीला था कि नहीं। तो दुनिया में जितने भी जहरीले सांप होते हैं उसके मुंह में ना 2 ही दांत होते हैं ऊपर से, जिसको हम फैंग बोलते हैं। और जब भी किसी को काटेगा वो जहरीला सांप तो लगभग 2-3 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका निशान छोड़ेगा ऐसे। यहाँ देखिए 2 काला आपको दिखाई दे रहा है डॉक्टर साहब, यहाँ दिखाई दे रहा है जी और यहाँ भी। हाँ डॉक्टर साहब 2 को तो लौके थे। तो अगर सांप काटने के बाद ऐसा 2 दांत दिखाई देता है 2 सेंटीमीटर के लगभग दूरी पर तो समझते हैं कि आपको जहरीला सांप काटा है। सांप में क्या होता है दांत ज्यादा होता है, वो 1-2-3-4-5-6 दांत ऐसे लगेगा कोई बखोर दिया है, 5-6 दांत का निशान होगा तो वो नन पॉइंटस होता है। बिना जहरे वाला सांप होगा डॉक्टर साहब? हाँ। आइए हम आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन सा जहरीला सांप होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। ये देखिए भारत में पाए जाने वाले जो सबसे ज्यादा खतरनाक सबसे ज्यादा जहरीले जो सांप है वो ये सांप है, आपके सामने यहाँ पर हम मिर्ची के ऊपर दिखा रहे हैं। सबसे पहले कोबरा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाषा में ग्रहण भी बोलते हैं, करई और 3 वाइपर से स्टेट वाइपर, रसल वाइपर और स्ट्रीट वाइपर। और जो वाइपर है बिहार में कम है या फिर कुछ इधर जो नॉर्थ का इधर का जो डिस्ट्रिक्ट है उधर शायद मिलते हैं मधुबनी वगैरह में, बाकी जगहों पर बिहार में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं करेट और कोबरा। ये बिहार के सबसे खतरनाक सांप हैं।
लेकिन भारत भर में अगर बात करें तो सर्वाधिक मौत जो होता है ना ये वाइपर्स के काटने से होता है, क्योंकि इनका पॉइजन थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। और यहाँ पर हम बात करें कि कभी भी एक बात को याद रखिएगा कि डॉक्टर साहब किसानों पर कैसे सर पर काट रहे हैं, किसानों पर साफ कर रहे हैं। हाँ, हमर भंटा के मौसी के काट लेके आज पाँच दिन पहले और सुतले के सुतले रह गए, कितना उठेगी ना उठले। ओहो, देखिए ये जो करेक्ट सांप है ना, ऐसा नॉर्मल होता है जो सांप का जो टेंडेंसी है ना वो छुपकर रहना चाहता है, वो कभी नहीं चाहता है कि हमको किसी आदमी से मुलाकात हो। सांप का आदत है वो छुपकर रहना चाहता है। बड़े गरीब एक ऐसा सांप है ना जो आदमी के बिछौना से गर्मी प्राप्त करने के लिए वो आदमी के बिछौना में छुप जाता है। अब आदमी आया दिन भर कहीं से काम किया, वापस जब खेत में वगैरह से जहाँ से भी काम करके वापस आए थके हारे आप सो गए। और सांप कभी भी जब तक आप छेड़िएगा नहीं जब तक नहीं काटेगा। छेड़ने का मतलब है कि आप गलती सही सही आपका शरीर का कोई अंग उसके पास जाएगा, उसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो लड़के काटेगा। सोने के केस में अगर आप रात के सो गए होंगे, करवट फेरे होंगे, करवट से कोई अंग दब गया होगा, सांप का काट लिया होगा, सुबह मरा हुआ उठे होंगे वो। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ हमने दिन रात खेत में काम करे वाला आदमी है। अच्छा, ढेर सांप मिला है रस्ते में, तो कैसे चिन्हबे कि जहर वाला है कि बिन जहर वाला? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक गैलेक्सी है, इस पे दिखाया गया है कि आप सांप को देख करके कैसे पता कर सकते हैं कि जो सांप आपके आसपास है वो जहरीला है कि बिना जहर। तो सबसे पहले आप सांप का सिर देखें, जो सांप का सिर त्रिकोण आकार का होगा ऐसा, तो वो सांप जहरीला होगा। और ये देखिए ये राउंड हेड है, थोड़ा गोल कैप से है, लंबा कैप से है, अगर उस तरीके का सिर है तो वो बिना जहर वाला सांप होगा। उसके बाद अगर सांप मुंह खोलता है तो वो सामने से आपको भय दिखेगा, जो दो सांप होता है वो पॉइजनस स्नेक होगा, जहरीला होगा। और यहाँ देखिए इसमें फैंग नहीं है, दांत नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप सांप को देख करके पता लगा सकते हैं कि वो सांप है वो जहरीला है या नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, और जरा सांप काटा है तो पानी या खाना दे सकिए? चलिए ठीक है, अच्छा सवाल पूछ रहे हैं आप। देखिए सबसे जरूरी बात कि अगर सांप काटता है तो आप क्या करें और क्या करें, इसका जानकारी होना चाहिए लोगों को। तो सबसे पहले अगर किसी आदमी को सांप तो आदमी को संतावना देना जरूरी है, क्योंकि आदमी ऐसे काफ़ी घबरा सकता है। अगर संतावना नहीं दीजिएगा तो हो सकता है आदमी को घबराहट में हार्ट अटैक, तो उसको संतावना देना जरूरी है। चलने फिरने नहीं देना है, अगर ज़्यादा चलेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर तेजी से होगा, जहर तेजी से फैलेगा, वो आदमी फिर जल्दी मर जाएगा। अगर वो तो चलने से रोकना है। और खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं देनी है, पानी तक नहीं देना है उसको पीने के लिए, उससे बातचीत करते रहिए, लेके करके रखना है। लेके आने का मतलब कि स्टोरे नहीं देना है, बातचीत करते रहिए, कोई बात नहीं है, सिर्फ उसको कि आपको कुछ नहीं होगा, सहारा की ज़रूरत है, कुछ नहीं होगा आपको, हम लोग हॉस्पिटल आपको ले चलते हैं, कोई बात नहीं है, वो बिना जहर वाला सांप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको।